कहीं दूर खन 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 खन। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है हर छठ के दिन का और आप सभी को हर छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें। और मैं अभी आध्या के लिए टिफिन और अपने हस्बैंड के लिए टिफिन तैयार कर रही हूँ। आज मैं उनको टिफिन में देने जा रही हूँ अरबी की सब्जी। ये अरबी है जिनको उबाल लिया है, छील लिया है और छोटा छोटा कट कर लिया है। जैसे आलू फ्राई करते हैं वैसे इनको फ्राई कर लेना है, बट इसमें जीरा की जगह अजवाइन पड़ता है। और बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर ये सारी चीज़ें डाल के, नमक वगैरह डाल के मिक्स कर देना है। और जैसे ये मिक्स हो जाए उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर देना है और थोड़ा सा गरम मसाला। इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई करना। और थोड़ा सा धनिया था हमारे पास, हरा ज़्यादा था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया है ना वो ऊपर से डाल दिया है गार्निश करने के लिए। साथ ही साथ मैंने पराठे भी बना के रख लिए हैं, आप देख सकते हो साइड में रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने अरबी को उबालने रखा था, उसी बीच में आटा लगा के पराठे सेक लिए थे क्योंकि उसी टाइम पे टाइम जो था उसका यूज़ किया मैंने। उसके बाद मैंने फ्राई की है अरबी, तो यहाँ पे ये पराठे इसमें पैक कर दिए हैं एक, और दूसरे में अरबी पैक कर देंगे फ्राई वाली, और तीसरे में मैं मिर्च का अचार जो मैं फ्राई मिर्च बनाई हूँ वो रख दूंगी। मिर्च का अचार रखने से ये रहता है कि सब्जी में कुछ कमी हो नमक मिर्ची का तो वो बैलेंस बन जाता है, तो इस तरीके से कर देती हूँ। और मैं कुछ नहीं रख पाती हूँ इसमें क्योंकि तीन ही बॉक्स हैं, और चाहे तो अलग से कुछ रख सकते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं बस इतना बहुत है, मुझे इतना ही खाना है। तो बस इसी तरीके से आध्या का भी टिफिन पैक कर दिया है और बस आध्या को ड्रेस वगैरह पहना कर तैयार कर दिया है, वाटर बॉटल दे दी है, टिफिन पैक करके बैग में लगा दिया है। और अब आध्या जा रही है स्कूल, इसके जाने के बाद मैं अपने काम है वो शुरू करूंगी। मैंने नहा तो पहले ही लिया था, अब मैं पूजा की तैयारी शुरू करूंगी। सो गाइस आध्या स्कूल चली गई है और ये देखिए ये साड़ी मैंने निकाली है आज पहनने के लिए। सिंपल है, एकदम लाइट वेट है और अच्छी भी लग रही है। सो ये साड़ी है यहाँ पे, ये देखिए मैंने पूजा का सामान सब यहाँ निकाल के रखा है। तो ये साड़ी है, इसका ये ब्लाउज है जो सिल के आया है, वी नेक में सिलवाया था मैंने, आपको बताया था ना। सो ये है ब्लाउज इसका, तो अभी मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। साथ ही साथ मैंने अपना ये बैंगल बॉक्स निकाला है, ये मेकअप किट निकाली, इसमें थोड़ा बहुत मेकअप है मेरा, सिंपल सा मैं करूँगी। बैंगल्स चूज कर लेती हूँ अभी थोड़ी देर में निकाल के। ये देखिए ये मैंने ज्वेलरी ये निकाला है मंगलसूत्र अपना पहनने के लिए, कैसा लग रहा है ये वाला। ये मैं इंदौर से लेकर आई थी और ये मेरे एक नेकलेस के इयररिंग्स हैं, नेकलेस नहीं पहनूंगी मैं, मंगलसूत्र पहनूंगी, ये वाले इयररिंग्स पहनने वाली हूँ मैं, अपने पास से दिखा रही हूँ आपको। देखिए बड़े प्यारे लगते हैं भाई, मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़ा साड़ी से मैच भी करेंगे ये हैं। और आज मैं सोच रही हूँ ये लकड़ी भी लगा लूँ, कहते हैं कोई भी पूजा करो तो पूरा सुहाग का सामान या फिर मतलब खूब सज धज के करनी चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ ये भी लगा लूँ। कैसी लग रही है ये लकड़ी राजस्थानी वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है मेरे पास एक, तो ये है, तो अब चूड़ियाँ निकाल लेते हैं। So, दिखाती हूँ मैं, ये मेरा बहुत पुराना बैंगल बॉक्स है, मतलब शादी से पहले का है ये बैंगल बॉक्स। ये रही चूड़ियाँ आपको बताऊँ ना, ये शादी से पहले का मेरा बैंगल बॉक्स है एंड ये मेरी वो चूड़ियाँ हैं जो शादी में पहनाई जाती हैं, कचहरा वो काली और हरी, मेरा मायका और मेरा ससुराल है ना। एंड ये जो मेरी गोल्डन चूड़ियाँ हैं ना, ये सब शादी की हैं, ये भी मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, एक मेरी बैगनी साड़ी है उसकी, एंड ये भी, और ये इसी बार अभी कभी के हैं, ये शायद करवा चौथ के हैं, ये कुंडन मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे पिछली बार जब मैं गई थी, ये उससे पहले की करवा चौथ की चूड़ियाँ हैं ये और ये उससे पिछले की करवा चौथ चूड़ियाँ हैं। मतलब करवा चौथ पे मैं चूड़ियाँ ज़रूर लेती हूँ कांच की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास कांच की चूड़ियों का कलेक्शन ना इतना है, थोड़ा सा और है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, और फिर मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो मैं इससे मैच करने के लिए ये ग्रीन निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ग्रीन इससे मैच कर रहा है ये वाला। और
और मैं ये कलर भी मैच कराना है, तो ये कलर ये मैच कर जाएगा आई थिंक, चल जाना चाहिए। चलिए निकालती हूँ मैं कंगन चूड़ियाँ सब, फिर पहन के तैयार होके दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए मेरा चूड़ियों का सेट है वो बन गया है, मेरी साड़ी से भी मैच कर रहा है ना, है मस्त मस्त मैच कर रहा है ना। सो बस फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। ये सारा मेरा सामान, पूजा का चूड़ी वगैरह सब चीज़ें, तो फटाफट से तैयार होती हूँ। ओके फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ। ये पहन लिया है मंगलसूत्र, ईयरिंग्स, मैंने ये बोला भी लगा लिया है। कैसा लग रहा है? हिल रहा है। अगर मेरे पास डबल साइडेड टेप होती ना तो मैं इसे सिक्योर कर लेती, बट मेरे पास है नहीं। और ये रही मेरी साड़ी, कैसी लग रही है? ग्रीन कलर साड़ी बहुत ही मुझे पसंद आई है ये। एंड ये मतलब घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन हो या फिर पूजा वगैरह हो या फिर डेली में भी मार्केट जाना हो तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है। ये रहा इसका पल्ला, कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताना। ये मेरी चूड़ियाँ, चूड़ी बजी है कहीं दूर खन 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 खन। तो चलो चलते हैं पूजा दिखाते हैं क्या क्या सामग्री मैंने लगा ली है। और ये भी जग गया है, बाबू दिखाओ दिखाओ क्या खा रहे हो? पीनट बटर लगा के खा रहा है, बाबू भी जग गया है मेरा। सो गाइस ये देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैंने चौक फोड़ लिया है और पट्टा रख दिया है, कपड़ा बिछा दिया उस पर। ये पत्ता मैंने पानी भर के इसमें लगा दिया है, वैसे गमले में लगाया जाता है बट मेरे पास कोई खाली ऐसा गमला नहीं था। ये कुल्हड़ है, ये चुकड़ियाँ हैं जिनमें ये 6 चुकड़ियों में ये सतनजा भरा जाएगा। फूल ले आई थी मैं, कैलेंडर है, 5 फल है, मिठाई है, मेवा है और ये दही है। एंड ये दक्ष के खिलौने हैं, एंड इसमें जल रखा हुआ है, आरती रखी हुई है, चुनरी और कलावा और रोली चंदन सब रखा हुआ है। ये मैंने हवन के लिए तैयारी कर ली है। यहाँ पे महावर घोल लिया है, हल्दी है और इसमें धूप वगैरह है, कपूर है, दिया बाती है। तो बस सारी तैयारी है, फटाफट से महावर जो है भगवान को लगाते हैं, माता रानी लगाते हैं, कैलेंडर को लगाते हैं, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अपने पैरों में महावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चौक पूर के पटा रख दिया है, आसन बिछा दिया है और माता का कैलेंडर भी ऊपर लगा दिया है और ये जो पेड़ है वो भी मैंने लगा दिया है और कलश भी रख दिया है। कलश रखना बहुत जरूरी रहता है, गौर भी रखूंगी, गणेश जी भी बिठाऊंगी। तो सबसे पहले हल्दी और महावर लगा दूंगी, जैसे मैं अपने लगाती हूँ ठीक पहले माता रानी के लगा दूंगी और कलश को भी लगा दूंगी और पत्तों के भी लगा दूंगी। तो ये शुभ माना जाता है ये सारी चीजें जो मैं कर रही हूँ, तो ये सब कर लेंगे उसके बाद ही मैं अपने लगाती हूँ। तो ये जो पूजा है हरछठ की है, इसमें चुकड़ियाँ यानी जो कुल्हड़ है वो भरे जाते हैं मिट्टी के, कुछ लोग दोने भरते हैं, कुछ लोग डलिया भरते हैं सतनजा से, जैसे यहाँ जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा किया जाता है। मेरे यहाँ ये कुल्हड़ भरे जाते हैं तो मैं ये कुल्हड़ भर रही हूँ, पर इनको कोरा नहीं रखा जाता है, इनको धुल के साफ करके इनमें या फिर कलर करो या फिर इसको महावर से इस तरीके से सजा दो। तो मैं वो महावर से सबसे पहले पूरे में इस तरीके से टीके लगा लगा के सजा दे रही हूँ। तो ये जब सज जाएंगे उसके बाद मैं महावर लगाऊंगी। अभी मैं अपने पैरों में पहले हल्दी लगा ली हूँ, अब मैं महावर लगाऊंगी। मेरे ससुराल में सबसे पहले पैरों में हल्दी जरूर लगाई जाती है, उसके बाद ही महावर का यूज किया जाता है। अब मैं महावर इस ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ ना तो मुझे बहुत ही आसानी हो रही है, बहुत जल्दी लग जा रहा है, साथ ही साथ अच्छा भी लग गया था और मेरे हाथों में नहीं लगा था। अच्छा हाथ में लग जाता फिर पल्लू पकड़ो या कहीं भी लगाओ, फेस में कहीं पर भी महावर पूरे फेस में कभी कभी लग जाता है, तो ये आइडिया भी आप लोग आजमा सकते हो, बहुत सही रहता है। महावर वगैरह लगाने के बाद यहाँ गौर रख दिया है, गौर में सिंदूर रख लिया है और मैं माता रानी को
सिंदूर, रोली, चावल, ये सब चीजें लगाऊंगी जो भी होता है, तो पूजा करूंगी। इस पूजा में बच्चे के खिलौने, बच्चा जैसा हो, छोटा है तो खिलौने, और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी बुक्स, कपड़े, मतलब बहुत सारी चीजें रख सकते हो। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ अभी खिलौने इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं खिलौने रखी हूँ। ये मेरे दक्ष की तीसरी है हर छठ पूजा, मैं दो कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, फूल वगैरह है वो चढ़ा रही हूँ, कलश का दिया है, दीपक है वो जला दिया है, पुष्प चढ़ा दूंगी, और मुझे जितना आता है मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। और क्या विधि विधान होता है वो, कभी मैंने अपनी सासू माँ के साथ में ऐसा किया नहीं, क्योंकि दक्ष का जन्म हुआ उसके बाद से ही मैंने ये पूजा शुरू की है। तो मम्मी यहाँ नहीं थी, अगर मम्मी यहाँ होती तो और अच्छे से मुझे सब चीजें बताती, बट मुझे जितना आता है मैंने किया। हाँ, मैंने 5 फल भी चढ़ा दिए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है, ये दही का जो भोग है वो लगा देते हैं, ये सतनजा है इनको मैं भर रही हूँ। दक्ष भी मेरे आसपास ही घूम रहा है, तो बस पूजा संपन्न कर रही हूँ मैं अच्छे से। यहाँ पे सब चीजें लगा दी है मैंने, पूरी तैयारी कर ली है। अब हवन करेंगे, क्योंकि बिना हवन में भोग दिए हमारा भोग माता रानी यानी भगवान तक नहीं पहुँचता है। कोई भी आप पूजा करें, हवन जरूर करें। तो ये गोबर का उपला है, तो जिसको मैंने मतलब इसको थोड़ा सा कर लिया है, उसको मतलब जला लिया है, इसमें आँच हो गई है, और उसके बाद अब मैं इसको टीका वगैरह लगा रही हूँ, कपूर से जला दिया है। अब मैं इसमें मतलब आहुति दूंगी 5, जो सामग्री होती है हवन सामग्री, उससे उसके बाद भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कराऊंगी भगवान को, और फिर उसके बाद कथा वगैरह सुनूंगी। इस कथा सुनने के लिए अचल में मैंने फूल और चावल ले लिए हैं, यहाँ पे मोबाइल में ही कथा लगा ली है, वो अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से सुन लेती हूँ मैं, और मुझे सब चीजें समझ में आ जाती हैं। माता रानी की आरती के बाद अब मैं सुहाग ले रही हूँ, तो सबसे पहले सीधे हाथ से भगवान जी को यानी माता रानी को सुहाग चढ़ाएंगे, उसके बाद उल्टे हाथ से हर लेडीज को सुहाग लेना चाहिए, हमारे यहाँ तो यही बताया गया है। तो यहाँ पे उल्टे हाथ से मैं अपने सुहाग ले रही हूँ, तो सुहाग हो गया है, पूजा संपन्न हो गई है, माथा टेक लेते हैं और गलती की क्षमा मांग लेते हैं जो भी गलती हुई हो, क्योंकि जितना मुझे आता था, जिस विधि विधान से आता था, मैंने वो सब किया है, और भूल चूक है वो माता रानी माफ करे हरषत मैया। तो आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, मेरी सिंपल सी साधारण सी पूजा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, ये देखिए पूजा हो गई है अच्छे से मेरी संपन्न, अब मैं जा रही हूँ दक्ष को तैयार करूंगी, तो उसको भी टीका कराना है। हाय गाइस, पूजा तो हो गई है, काफ़ी देर भी हो गई है, मैंने दक्ष को नहला दिया है और दक्ष भी ऐसे उधम कर रहा है। मुझे ये सारा पूरा सामान ये सब सही करना है, ये कुछ कपड़े प्रेस करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही रखे हुए उन्हें ठीक करना है। अभी मैं दक्ष को नहला के तैयार कर दिया है, तो मैं दक्ष को टीका करवा देती हूँ, माता रानी को प्रणाम करवा लेती हूँ, और इसको जो धागा है वो बांध देती हूँ, जो मैंने वहाँ से कलावा जो चढ़ाया था वो। चलो आ दच्छू, चलो आओ आओ आओ, चलो सबको हेलो बोलो, हेलो नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते, नहीं किया भाग रहा, नमस्ते, चलो आ चलो आ जाओ। अब अबू जय करते जय।
पहले यहाँ प्रणाम करो, जय करो, जय जय करो, चलो जय करो, जय करो, ऐसे ऐसे ढोक दो, ढोक दो, प्रणाम करो, हाँ ऐसे करो करो करो, वेरी गुड। चलो अब उसमें से वो जय जय बाबा का प्रसाद ले लो। क्या लोगे प्रसाद में, क्या लोगे? ये लोगे बनाना, ये खाओगे? ये लेना है, लो। क्या लेना है? बाहर जाना है, ये खाना है, ये लो लो। इसके पता है दो ये ले चुका है, खा चुका है, तीसरा ले रहा है। अब बैठो तो जय जय करा लो, पहले बैठो बैठो, जय जय कराओ, बैठो। तो ये जो धागा है ये बांध दूंगी मैं अभी फिलहाल इसको, मैं इस बाबू दिखाओ, दिखाओ ऊपर जय जय दिखाओ। ओ हाँ, दिखाना दिखाना दिखाना, शक्ल दिखा। हाँ वाह मेरा बाबू, ये देखो मेरा बाबू टीका लगवाया, कैसे टेढ़ा मेढ़ा है ना। चले चलो, जय माता रानी, जय। चलो तो गाइस देख सकते हो आप, दक्ष की ये हाथ में बांध दिया, खुद से हाथ आगे बढ़ाया था। दच्छु दच्छु मेरा बाबू, अच्छा लग रहा है, जय जय बाबा। सो गाइस बहुत अच्छे से पूजा हो गई है, अब मैं ये इयररिंग्स और ये माला और साड़ी वाड़ी थोड़ा चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ। पूजा किए हुए करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गए हैं, काफ़ी देर से मैं ऐसी बैठी हूँ, मैंने सिर्फ अभी पानी पिया है। इस पूजा के बाद मतलब इस व्रत में हल्का जुता हुआ नहीं खाया जाता है, मीठा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो भाई इसके बाद की जो आवाज़ है उसमें दक्ष की सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वो बहुत चिल्ला रहा था, फिर मैंने सोचा चलो इसको म्यूट करके वॉइस ओवर करती हूँ। मैं बता रही थी आप लोगों को, इसमें हल्का जुता हुआ नहीं खाते हैं, बसई के चावल जो है उनको मैंने खाया था, और सेंधा नमक से उनको घी में उबाल के खाया जाता है बनाकर दही के साथ में, शाम के टाइम मैंने खाया था। चाय नहीं पी जाती है, आप चाहो तो मतलब छुआरे वगैरह डाल के चाय पत्ती डाल के आप ऐसा कुछ बना सकते हो, बट मुझसे नहीं होता है, मुझे तो मीठी अच्छी चाय पसंद होती है, जिसकी वजह से मेरा सर दर्द होता है अगर चाय नहीं मिली। और जब भी मैं ये व्रत रखती हूँ और जब भी व्रत मेरा संपन्न पूरा होने लगता है, लास्ट में रात को 2:30-3 बजे मेरी हालत खराब हो ही जाती है हर बार, सिर्फ और सिर्फ मेरे मुझे ऐसा लगता है चाय की वजह से। मेरी बॉडी में नमक या चीनी दोनों में से कोई चीज़ की भी एक दिन में कमी मतलब ना लूँ मैं, तो मेरा बीपी लो हो जाता है, सर फटने लगता है, सर आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ फटता है मेरा, तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो वैसा ही हो गया था मेरे साथ में। खैर इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।